माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आयुगा की कश्मीरी सैफ्रॉन सनस्क्रीन विद जैस्मीन के साथ, जिसे यूज करते हो मुझे पूरे 20 डेज हो गए हैं और ये जो पैक है ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसे खत्म होने से पहले मुझे लगा कि इसका रिव्यू आपके साथ मैं शेयर कर देती हूं। इसमें आपको SPF 50 एंड PA 4 प्लस की रेटिंग मिल रही है। इस सनस्क्रीन के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे जब मैंने बेस्ट समर सनस्क्रीन वाली वीडियो शेयर की थी उसमें बात की थी और ये मैंने उसमें इंक्लूड भी की थी क्योंकि ये एक बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है। तो ये जो सनस्क्रीन है मैंने 15 ग्राम वाली क्वांटिटी ली थी, वैसे आपको इसका 50 ग्राम वाला पैक भी मिल जाएगा। मैं बस इसे ट्राई करना चाहती थी तो मैंने सोचा छोटा वाला पैक लेती हूँ। मैंने इसे अमेजोन से लिया था, वैसे ये नायका और इनके ऑफिशियल वेबसाइट सब जगह अवेलेबल है, बट ये छोटा वाला पैक आपको कहाँ मिलेगा आई एम नॉट श्योर, आपको थोड़ा सा खोजना होगा। ये आपको एयरलेस पम्प टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। आई गेस जो इनका बड़ा वाला पैक है वो आपको नॉर्मल ट्यूब वाली पैकेजिंग में मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी क्योंकि सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी मुझे लगता है की होती है। अगर आपको कंसिस्टेंसी अच्छी लग गई, वो आपको सूट कर गई, तो एक बार को उसकी जो कंपोजिशन है वो आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी में ये सनस्क्रीन आपको मिलती है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाती है, बहुत इजीली स्प्रेड होके आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाती है। और इसकी सबसे अच्छी अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि बहुत लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड कर देती है। मैंने अपने एक हाथ पे ये वाली सनस्क्रीन लगाई है और एक पे नहीं लगाई है। आप ना दोनों की स्किन में अगर पास से देखेंगे तो अंतर खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी स्किन को ऑयली या स्टिकी या फिर ग्रीसी बना देती है, बिल्कुल नहीं। एकदम परफेक्ट वाला जो हाइड्रेशन होता है ना वो आपको ये देती है। इसके साथ साथ लगाने के बाद आप अपने चेहरे पे ड्यूई हेल्दी सी ड्यूई फिनिश ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका फॉर्मूला, इसके साथ साथ आंखों को हर्ट नहीं करता। इसकी रीअप्लीकेशन भी बहुत आसान है, 5-6 घंटे के बाद आप इसे बहुत इजीली रीअप्लाई कर पाओगे। एकदम भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ऑलरेडी हैवी है या ऑलरेडी चिपचिप या ग्रीसी आपकी स्किन है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इसकी कंपोजिशन की। इसकी कंपोजिशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें एक्वा बेस की तरह यूज़ किया गया है, देन इसमें 3 केमिकल फिल्टर डाले गए हैं, देन इसमें मेटिलीन ग्लाइकॉल है जो ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, लेसिथिन है, कुछ टेक्सचर एनहेंसर डाले गए हैं, कुछ इसमें न्यू एज मॉइस्चराइजिंग एजेंट डाले गए हैं, इसमें प्लांट डेराइव्ड शुगर है, डेट पाम एक्सट्रैक्ट है, देन इसमें ग्लिसरीन का डेरिवेटिव डाला गया है, सेफ्रॉन है जो कि ब्राइटनिंग एजेंट का काम करता है, जैस्मीन अगेन मॉइस्चर लेवल को बैलेंस करके आपको हाइड्रेटेड स्किन देता है, इसमें सनफ्लावर सीड ऑयल है, एलेंटोइन है, लिकोरिस है, नासेनामाइड है, यानी कि ओवरऑल इसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत अमेजिंग है। इसके साथ इसमें हेलोरॉनिक एसिड भी डाला गया है, लेकिन हाँ इसमें एक कलर भी यूज किया गया है। सबसे लास्ट में ये जो आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं वो कलर के लिए डाला गया है। आई डोंट नो, वैसे इसमें कोई कलर मुझे दिखाई नहीं दिया, ये कंप्लीट एकदम वाइट क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है। ये जो सनस्क्रीन है एकदम परफेक्ट है समर्स में यूज करने के लिए, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप रहेगी, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो या ऑयली हो, इवन एक्ने प्रोन स्किन को भी ये परफेक्टली सूट करने वाली है। जब मैं इस सनस्क्रीन को लगा रही थी एज सच मुझे कोई एक्टिव एक्ने नहीं था, लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक्ने को ट्रिगर कर सकता है, एक्सेप्ट वन। एक इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिडिल में डाला गया है जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। एज सच मुझे इससे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा अपनी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पे। मुझे लगता है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप होनी चाहिए, ड्राई हो आपकी स्किन, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑयली एक्ने प्रोन हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और उसके साथ साथ इसका जो फॉर्मूला है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एज सच इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि कोकोनट से डेराइव किया जाता है। मेरी स्किन पे इससे कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको ग्लिसराइड स्टीरेट नाम का इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता, उससे अगर आपको लगता है कि आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो आप इस सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। तो एज सच मेरे लिए इसने अच्छे से काम किया है। अगर आपने इसे यूज़ किया हो तो नीचे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय।